एक्सपीरियंस कहता था जिस तरह का मैं बॉलर था, मैंने अपनी पूरी कोशिश की उसको आउट करने की, लेकिन ये उसकी अजमत की निशानी थी कि उसने मुझे 3 छक्के मारे। 16 दिसंबर 1989, पेशावर, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान एग्जीबिशन मैच। टारगेट चेस करते हुए भारत 3 विकेट खो चुका था, हार लगभग तय थी। ऐसे में बैटिंग करने आया महज 16 साल का एक लड़का, जिसका डेब्यू बस कुछ ही दिन पहले हुआ था। ये वही लड़का था जो सिर्फ 3 दिन पहले वकार यूनुस की गेंद से लहूलुहान होकर भी मैदान से बाहर जाने की बजाय नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े सिद्धू से कहता है, मैं खेलेगा। और आज जब उसने मुश्ताक अहमद को 2 छक्के मारे, तो उसे एक पाकिस्तानी बॉलर ने आकर कहा, दम है तो मुझे छक्का मार कर दिखा। ये चैलेंज देने वाला कोई ऐरा गैरा बॉलर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लीजेंडरी लेग स्पिनर अब्दुल कादिर थे, जिन्हें शेन वॉर्न भी अपना गुरु मानते थे, जो एक गेंद को 5 अलग-अलग तरीके से स्पिन करवा सकते थे। बस उसके बाद उस ओवर में जो हुआ, वो एक फ्रेंडली मैच होते हुए भी इतिहास बन गया। ये किस्सा है साल 1989 का। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी। टीम में एक 16 साल के खिलाड़ी को भी शामिल किया गया, जिसका नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। 16 दिसंबर को भारतीय टीम वनडे मैच खेलने पेशावर पहुंची, लेकिन बारिश इतनी तेज आई कि मैच होना नामुमकिन हो गया। और जब बारिश रुकी भी, तब इतना समय नहीं बचा था कि पूरा मैच खेला जा सके। तब दोनों टीमों ने डिसाइड किया कि क्यों ना 20-20 ओवर का एक फ्रेंडली मैच खेलते हैं। इससे जो दर्शक मैच देखने आए हैं, उनका मनोरंजन भी हो जाएगा और दोनों टीमों की प्रैक्टिस भी। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी मैच फ्रेंडली होता ही कब है। पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और 20 ओवर में 157 रन बना देता है। याद रखिए, ये मैच 1989 में हो रहा था। आज के हिसाब से आप इसे कंपेयर करेंगे तो समझिए किसी टीम ने 250 से भी ज्यादा रन बना दिए हो। भारतीय टीम बैटिंग करने आती है और 16 ओवर की समाप्ति पर स्कोर होता है 89 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और तब बैटिंग करने आते हैं सचिन तेंदुलकर और उनके साथ क्रीज पर थे श्रीकांत, जो उस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी भी कर रहे थे। भारत की टीम को चाहिए थे 4 ओवर में 69 रन। टारगेट नियरली इम्पॉसिबल सा था। पूरी टीम का कहना था, जीत तो सकते नहीं, अब लगे हाथ प्रैक्टिस ही कर लो जो अगले मैच में काम आएगी। लेकिन 16 साल के उस लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो श्रीकांत को कहता है, चिका, हमें जीतने के लिए खेलना चाहिए। श्रीकांत भी उस बच्चे को मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। अगला ओवर मुश्ताक अहमद लेकर आते हैं और सचिन उस ओवर में 2 छक्के और 1 चौका मारते हैं, जिसे देखकर अब्दुल कादिर को गुस्सा आता है और वो सचिन के पास जाकर कहते हैं, दूसरी तरफ से मैं बॉलिंग करूंगा, दम है तो मुझे छक्का मार कर दिखाओ। सचिन कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप क्रीज पर चले जाते हैं और इंतजार करते हैं अब्दुल कादिर के ओवर का। अब्दुल कादिर की पहली गेंद पर सचिन कदमों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आती तो सचिन भाग कर 2 रन ले लेते हैं। अगली गेंद पर सचिन आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का मारते हैं। ये छक्का अब्दुल कादिर को ये बताने के लिए काफी था कि इस लड़के में दम तो है। अब्दुल कादिर अगली गेंद फेंकते हैं, सचिन एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर चली जाती है। अगली गेंद, इस बार अब्दुल कादिर चतुराई से गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर रखते हैं, लेकिन सचिन एक बार फिर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मार देते हैं। मैच पाकिस्तान में जरूर था, लेकिन खचाखच भरे स्टेडियम सचिन के लिए तालियां बजा रहा था, क्योंकि उन्होंने भी आज तक ऐसा बैट्समैन नहीं देखा था जो अब्दुल कादिर को लगातार 3 छक्के मार दे। पूरे करियर में मेरा करियर बहुत लंबा है, 18 साल में पाकिस्तान के लिए खेला और मेरा ख्याल को 30 साल में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझे किसी बंदे ने एक ओवर में 3 छक्के मारे हों। अगली गेंद पर सचिन एक बार फिर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर चौका मारते हैं और फिर आखिरी गेंद पर 3 रन लेते हैं।
उस ओवर में कुल 27 रन बने। हालांकि भारत वो मैच 4 रन से हार गया, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने अब्दुल कादिर को ये जरूर बता दिया था कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन एक हिंदुस्तानी को दोबारा कभी कोई चैलेंज मत कर देना। इस मैच के बाद अब्दुल कादिर भी सचिन तेंदुलकर के हमेशा हमेशा के लिए फैन हो गए। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने सचिन के लिए कहा था, और कमिंग जनरेशन के लिए सचिन एक ऐसी किताब है, एक ऐसा स्कूल है, एक ऐसा कॉलेज है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि वो कमिंग जनरेशन उससे बहुत कुछ सीख सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट के ऐसे ही मजेदार अनसुने किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।